अनमोल की माचो बहुत अच्छी फिल्म है, माचो खरीदो अनमोल की, तो पी के ले ले मानव जोहल जी ने और कार्ला साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। पी के ले ले एक अच्छी घरेलू कॉमेडी फिल्म है, बट एडल्ट कॉमेडी फिल्म है, सो उसको ए सर्टिफिकेट मिला है। जाए देखने तो दादा कौंडके की याद दिलाएगी, डबल मीनिंग है और अच्छी है। आपने मस्ती देखी होगी, ग्रांड मस्ती देखी होगी, उसमें एक मेरी मार्लो, इसमें भी एक मेरी मार्लो, मेरी नहीं बट फिल्म की मेरी मार्लो का एक कैरेक्टर देखना, बहुत अच्छी कैरेक्टर है। सो प्लीज़ गो वॉच नियरेस्ट योर थिएटर पी के ले ले। थैंक यू। रेटिंग में दूंगा 3.5 बिकॉज बहुत अच्छी फिल्म है, मूवी बहुत ही अच्छी है। फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमेडी है और एडल्ट मूवी है और पूरा डबल मीनिंग है, बट बहुत ही ज़्यादा आप इन्जॉय करोगे मूवी। और सेकेंड पार्ट फनी भी है और इमोशनल भी है, इमोशनल ज़्यादा है। और इसमें दिखाया गया है कि एक बंदे की मतलब लाइफ कैसे चेंज हुई है। पहले एक वो सेल्समैन था, उसने मतलब अपने तरीके से अपने उसने जो अचीव करना चाहता था उसने अपनी लाइफ में किया। तो आप अपने नियरेस्ट थिएटर्स में जाइए और इस मूवी को ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। आई वुड गिव 4 स्टार। थैंक यू। पी के ले ले बहुत मस्त फिल्म है, फुल ऑन कॉमेडी, और उसमें एक डायलॉग था मेरी मारलो, तो वो सुन के बड़ा मज़ा आया कि मेरी मारलो, तो अब मैं सबको यही बोलूँगा मेरी मार लो। सर फुल ऑन रेटिंग है इसको, मतलब 10+10 ही हो सकता है ये तो पिक्चर, मतलब सुपर डुपर हिट है और देखने में बहुत अच्छी थी, बहुत कॉमेडी है। और जैसे कि हम लोग वेट कर रहे थे काफ़ी दिन से कि पी के ले ले, और वो सीरियसली पी के ले ली वाली फिल्म है, और मैं चाहूँगी कि सारे दर्शक देख के आए इसको और जितने मज़े फिल्म में जैसे हम लोग को देखने को मिले और सब लोग देखें और इन्जॉय करें बस। मैं 3.5 रेटिंग दूंगी। साथ साथ कॉमेडी भी था और एक मैसेज भी दिया है कि गलत करने का नतीजा गलत होता है, लेकिन गलत करने के बाद आदमी कैसे उभरता है इसमें इस फिल्म बताया गया है। और फिल्म जो है अच्छी लगी, इंटरटेनर है और इस सभी करेक्टरों ने अच्छा अच्छा काम किया है। कुछ करेक्टर अच्छे, बहुत अच्छे अपने एक्टिंग के माध्यम से बताने की कोशिश किए हैं कि ऐसे एक्टिंग की जाती है, और फिल्म जो है और अच्छी है। कुल मिलाकर यह फिल्म कही जा सकती है कि एक अच्छा, ये अच्छी मैसेज देने वाली फिल्म है कि आप गलत नहीं कर सकते हो, और जो मैं करेक्टर जो इन्होंने किया है अच्छा किया है, और ये विजेंद्र जी का रोल भी अच्छा है। अब इसमें हीरोइन की माँ भी अच्छा किया है, हीरोइन ने भी किया अच्छा किया, सभी ने अच्छा अपना रोल जो है अच्छी तरीके से निभाया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी है, मतलब फर्स्ट हाफ में बिल्कुल अलग और सेकेंड हाफ में एकदम इमोशनल, बहुत ही अच्छा काम किया है सबने, बहुत इंजॉय किया। कितने में से? 5 में से 4। और डायरेक्टर मानव जी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, एज अ हीरो हैं उसमें, राइटर डायरेक्टर वो हैं। सार्वनी जी का भी एक्टिंग बहुत अच्छा है, विजेंद्र कालरा जी का भी एक्टिंग है। फिल्म अच्छी है, ज़रूर देखिए और इंटरटेन हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं इस फिल्म का बैकग्राउंड सिंगर हूँ, शर्वानी दत्ता। मेनी थैंक्स, दिस इज़ अ फर्स्ट मूवी, सो मेनी थैंक्स। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और मानव जी, सबसे बड़ी बात है कि बहुत मेहनत किए और मैं भी बहुत सपोर्ट किया इस मेहनत में, तो क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट मूवी है। ओके, एक बार देखने जैसी है। पी के ले ले एक सेल्समैन, एक एक्चुअली टाइटल बहुत ही डबल मीनिंग वाला वल्गर टाइटल है, लेकिन फिल्म देखा जाए तो एकदम साफ सुथरी है और मनोरंजन भरपूर है, और खास करके यूथ जो है उनको इसकी जो डायलॉग्स पसंद आएगी, एंड एडल्ट्स को इंटरेस्टिंग इनफ खींच के लेके आएगी फिल्म। लेकिन इस किस्म के अच्छे फिल्म आजकल बहुत कम आते, और आते तो मल्टीप्लेक्स इनको जगह नहीं देते, ये अफसोस की बात है। लेकिन गाने भी अच्छे पी के ले ले एक सेल्समैन में, और मैं ये चाहूँगा कि ऐसे छोटे बजट में हर आदमी अगर फिल्म बनाता है तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है थिएटर वालों से भी, ऐसे फिल्म को दिखाने के लिए रेट्स टिकट्स का कम करना पड़ेगा तो ज़्यादा लोग आके देखेंगे, वरना क्या होता है 300 रुपये टिकट अगर एक मल्टीप्लेक्स में आए ऐसे फिल्म का, उसमें खाली 5 या 6 जन बैठेंगे, वो 6 जन में भी 3 कपल होंगे, तो फिल्म कोई देखने वाला नहीं होगा। थैंक यू।